आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। कई बार हेल्दी रूटीन के बाद भी कुछ लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है और इसकी वजह कई बार कोई घातक बीमारी उनको हो जाती है, तो कई बार बॉडी पार्ट्स का इम्बैलेंस होना भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी जानकारी लोगों को अक्सर होती ही नहीं है। दरअसल हमारे शरीर में हमारे कान, हमारी गर्दन, हमारे कंधे, इवन हमारे कोहनी और स्पाइन, घुटने, एड़ी, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अनजाने में संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। और शरीर का आकार बिगड़ने से कई सारी परेशानी आने लगती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और नर्व प्रॉब्लम। बिल्कुल, मतलब जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए व्हील का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से शरीर के सभी अंगों का बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी है। और ये बैलेंस ट्रेडिशनल तरीकों से मुमकिन है, लेकिन कैसे मुमकिन है ये तो हमें योग गुरु स्वामी रामदेव ही सिखा सकते हैं। तो चलिए, योग गुरु स्वामी रामदेव का हम स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी। और देखो, जब शरीर का बैलेंस बिगड़ता है तो सबसे पहले नाभि दिखती है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो, एंकोलोजिक स्पोलाइटिस हो, और भी अटैक्सिया हो, पार्किंसंस हो, बहुत तरह के ऑटोमेन डिजीज, तो उसको ठीक करने के लिए, चेक करने के लिए तो तन से नाभि की दूरी ऐसे चेक की जाती है, अंगूठे से भी चेक कर लिया जाता है, नीचे या ऊपर, दाएं या बाएं नाभि की धड़कन होती है। अब वो बीच में रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए ऐसे दीपक, जरा कि ये आटे का दीपक है और उसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया और ये फिर बुझ जाता है अपने आप। अब अपने आप ये देसी तरीका एकदम। आजकल ऐसे वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करने वाले यंत्र भी आ गए हैं, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये देसी तरीके से ऐसे नाभि को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही आज कम से कम हम 10 से 20 तरीके बताएंगे नाभि को ठीक करने के, उनमें से 2-3 तरीके भी अपना लिए तो नाभि ठीक हो जाएगी। जब ये डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है तो जिधर से डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है उसके पैर को झटका मार करके और उसको भी ठीक करते हैं, यहाँ से पॉइंट दबा करके भी ठीक करते हैं। ये पहली अंगुली के मूल में यहाँ ऐसे दबा करके भी ठीक करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन करके, योग मुद्रासन करके भी नाभि को ठीक करते हैं। ये तो एक तरीका था, ये बता दिया। और दूसरा एक और तरीका है स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा करने का, बहुत दिन हो गए थे, एक बार दिखा देते हैं। तो इधर आओ प्रियांशु बेटा, कि स्ट्रक्चरल बैलेंस को ठीक करने के लिए, जैसे पहले एक बार हमने बताया था, थोड़ा ऐसे लेट जाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, एक दो मिनट, थोड़ा ऊपर, हाँ बस, यस। अब देखो, ये जो पैर हैं, इसके हाथ हैं, अब इनको ठीक करने के लिए पूरे शरीर को ऊपर से लेकर के नीचे तक, पहले गर्दन की तरफ से शुरू करते हैं, गर्दन को कटकाते हैं। देखो, ये एक तरीका तो यह होता है अपने शरीर पर भार लेकर के और उसको जो है ढीला छोड़ देना एकदम। इसको पहले एंकोलोजिक स्पोलाइटिस था, पिछले साल देखा हुआ इंडिया टीवी पर इस बालक को, और इससे चलना फिरना तक मुश्किल था और अच्छा, लेकिन स्वामी जी कटक कटक, ये तो ये कर रहे हैं अब हाथ लोग, लेकिन ऐसा ना हो कि इससे मोटिवेट होकर खुद ही ये करने लग जाए, मतलब ये चटकाने का काम एक्सपर्ट सुपरविजन में किया जाए। अच्छा स्वामी जी, वही है जो बाल भी चटका देते हैं, हाथ को, कलाई को, ये बाल भी चटकाता है, दाढ़ी भी चटकाता है। ये दाढ़ी भी चटका देता है। ए, दाढ़ी चटका के दिखा। दाढ़ी ऐसे चटकाता है, कटक कटक बोलती है सिर के बाल। लेकिन स्वामी जी, आप दर्शकों को समझाएं कि केवल एक्सपर्ट ये काम कर सकते हैं, हर कोई ये काम करने ना बैठ जाए घर में।
ये कर ही नहीं पाएगा ये कर ही नहीं पाएगा। माने चल खड़ा हो, ये तो एंक्रोजिंग स्पोलाइटी सब अच्छा हो चुका इस बालक का, और ये जो खरे चटका चटकी वाला मामला तो एक है, पूरे शरीर का बैलेंस बनाना, जैसे किसी की वो जहन ये पीछे से रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाती है, तो इधर अब ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ऐसे उठा करके, वैसे तो सबको उठाता रहता है, और ऐसे कटका देते पूरा। अब ये बात छोटी सी, लेकिन ये तरीके से किया जाता है कार्यक्रम। स्वामी जी, अब चलिए सिलसिले बात तरीके से आपसे चीजें समझते हैं। स्वामी जी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझाइए कि ये स्ट्रक्चरल इंबैलेंस आखिर होता क्या है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा, और क्यों स्ट्रक्चरल इंबैलेंस की वजह से ये तमाम तरीके की बीमारियां, छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां स्ट्रक्चरल इंबैलेंस की वजह से हो सकती है। चलो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए सबसे पहले ताड़ासन करें। अब देखो, बात तो छोटी सी है, अब ये छोटी छोटी बातें जो भूल गए थे उसको आज हम करीब 20 तरीके बताएंगे। एक तो ये ताड़ासन कितना इजी है, दूसरा आराम से करें, एक अभ्यास को 10 से 20 सेकेंड लगेंगे, और इन आप में से जो मंडूकासन, सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, वो कर लो, तुम्हारी नाभि डिगी में ना पूरी ठीक हो जाएगी, कर लो पवन मुक्तासन, और उत्तान पादासन, योग मुद्रासन। अब ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये देखिए ऐसे पादहस्तासन, लेकिन कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना। यहाँ बहुत से भाई हैं जिनका सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, ये सब मैंने ठीक किया है योग के द्वारा, आगे झुक गए। फिर पीछे झुकने के लिए पूर्ण चक्रासन थोड़ा कठिन होता है, तो अर्ध चक्रासन कर लिया। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे कर लिया। फिर दोनों पैर सीधे, अब बाएं पैर ऐसे ले लेते हैं पंजा बाई तरफ, उसको लंबा ऐसे दूर रख दिया पैर को ऐसे, और उधर ही बाया हाथ नीचे, हथेली सामने की ओर, दाया हाथ ऊपर, कंधे के ऊपर से ऐसे हाथ को देखना है ऐसे। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए त्रिकोण आसन बहुत अच्छा है, बहुत दिनों में करवाया, थोड़ा कर लेंगे। 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक ऐसे बॉडी को होल्ड करना ऐसे। फिर दूसरी तरफ से एक पैर ऐसे साइड में लिया जितना झुक सके, और हथेली दोनों हाथों के सामने की ऐसे झुक गए। ये त्रिकोण आसन बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए ये वृक्षासन भी बहुत अच्छा है, ये तो गरुड़ासन भी कर सकते, लेकिन वो अभ्यास करा रहे तो बहुत इजी है ऐसे। ये 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक आज का अभ्यास थोड़ा स्लो मूवमेंट होंगे, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। ऐसे एक मिनट तक आप अपने आप बॉडी को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा है। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग की योग में इसलिए बहुत महिमा है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है, मूलाधार से सस्रार तक हमारे अष्ट चक्र। 72,72,10,201,37 ट्रिलियन सेल्स, और बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस हो जाता है पूरा। अब देखिए, कुछ बैठ करके, कुछ उल्टे लेट करके, कुछ सीधे लेट के, उसके दूसरे भी बड़े फायदे होंगे, लेकिन सबसे पहला और बड़ा फायदा होगा इससे हमारा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, उष्ट्रासन। अब मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी तो पूर्ण उष्ट्रासन भी करने लग गई हैं, तो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है बस वो आगे मत झुकना, तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, शटिका, लोमोस्पोलाइटिस, एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस, बहुत बुरी बुरी बीमारियाँ हैं, बड़ी बड़ी हिमालय जैसी बीमारियाँ हैं।
एक बार जिसको हो गई उसकी जिंदगी नरक बना देती है। उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन तो सभी कर सकते, पंजे पीछे खोल दिए, उष्ट्रासन में पंजे खड़े हुए थे और ऐसे आराम से झुक गए, बहुत जबरदस्त है, श्वास भर के करना ऐसे। फिर ये अर्धचंद्रासन, तो देखिए देखने में यह हल्के से अभ्यास है लेकिन लाभ इनका जबरदस्त है। अब देखिए पीछे झुके, अब आगे झुकना, शीर्षासन, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आधी आधी मिनट भी सब अभ्यास, 20 अभ्यास भी कर लिए तो 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से सेरेब्रल पैलेसी, पैरालिसिस, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम, एफिकेसी कम हो जाती है, यहाँ तक कि सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते, इनफर्टिलिटी हो जाती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से दर्दे आदि होना कमर आदि में वो साधारण सी बात है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से वापस आ गए। गोमुखासन, पेट खराब हो जाता है। एक हमारे सन्यासी हैं, अपरोक्षानंद जी नाम है, उन्होंने 50 साल तक इसी पर शोध किया है और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी, नाभि रहस्य, और उसको पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये सिद्ध किया है कि 99% बीमारियां नाभि के डिगने से, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से होती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, लो इम्यूनिटी, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से हो जाती है। लंबे श्वासों के साथ ब्रेथ को होल्ड करके करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, एक तरफ से किया ऐसे दूसरी तरफ से, और आधा आधा मिनट करना है कम से कम। जिनको ज्यादा ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है वो ज्यादा भी कर सकेंगे ऐसे। ये गोमुखासन, ब्रेथ को होल्ड करके करें, और अब उल्टे लेट करके देखो, उल्टे लेट करके मकरासन के दो अभ्यास एक एक पैर से, फिर भुजंगासन के तीन अभ्यास, सलभासन के तीन तीन अभ्यास करा देंगे, चौथा अभ्यास थोड़ा क्रिटिकल पड़ता है इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। अब ये कितने अच्छे अभ्यास हैं, देखो भुजंगासन का पहला अभ्यास, श्वास को अंदर भर के होल्ड करके रखा बॉडी को ऐसे, आधा मिनट तक होल्ड करके रखना, आज से ही करोड़ों लोगों का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हम दूर कर देंगे जी, बहुत जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, मोरिंगा आदि का सेवन करवा देते, दूध में हल्दी शिलाजीत पिला देते जी। बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए आपने कई अभ्यास बताए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ठीक होने के लिए जो आप योग अभ्यास बता रहे हैं, एक एक करके हम हर बीमारी पर चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले बात हम इनडाइजेशन की करते हैं, क्योंकि नाभि डिगने से, जो आपने शुरुआत में कहा कि नाभि ठीक रहे, सही जगह पर रहे, क्योंकि अगर वो डिगी तो बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसमें कब्ज हो, कोलाइटिस हो। तो हम एक एक करके अब बीमारियों की बात करते हैं, तो ये कब्ज और कोलाइटिस ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? आज एक बच्चा आया बंसीलाल, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने जिएगा। बच्चा क्या उम्र हो गई थी उसकी 45 के करीब, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने जिएगा, कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, 35 बार टॉयलेट जाता था, बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म 10-10 ग्राम, इस सब पाउडर मिलाकर के सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खाना शुरू कर दिया, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी 2-2, 4-4 गोली खाने के बाद लेनी शुरू कर दी, कुटजारिष्ट पी लिया, अनार का सेवन किया, बेल का सेवन किया, उबला हुआ सेव लिया और अपना कोलाइटिस ठीक कर लिया। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन, इसका बड़ा गहरा संबंध है, और उसके लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन में बता रहा था, मात्र 2 ही आसन कर ले। तो जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं,
और खास करके कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फिर पाइल्स, फिशर फिस्टूला, गैस, फिर अपचन, भूख नहीं लगना, उसके लिए ऐसे लगातार 1-2 मिनट करना पड़ेगा पवन मुक्तासन। उसके लिए लगातार करना पड़ेगा 1-2 मिनट उत्तान पादासन और नौकासन। जिनसे बन पाएगा उनसे पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी कराएंगे, जो 1 मिनट में डिगी भी नाभि को अच्छा कर देता है। सेतु बंधासन ईजी है, जैसे उत्तान पादासन थोड़ा कठिन है, नौकासन इससे भी थोड़ा सा कठिन है। जिनको सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन स्लिप डिस्क आदि वो नहीं कर सकते इसको, तो क्या करें, वो सेतु बंधासन कर ले ऐसे। और जो कर सके वो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, आप दोनों भी बहुत अच्छा करते हो। पेट के लिए रामबाण है, पेट के लिए। देखो मैं 1 मिनट के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ, इस समय ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, 1 सप्ताह के अंदर करोड़ों लोग संक्रमित होने की संभावना है, तो क्या करें, अपने लीवर को अच्छा बना लें, लिवोग्रिट खाली पेट लिमावृत खाने के बाद ले लें, पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लें, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल आदि को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेंगे तो ओमिक्रॉन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं लग पाएगा। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट या लौकी का जूस, बीपी के लिए शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट कपालभाति उज्जाई, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए मेधावटी अश्वगंधा इम्यूनोग्रिट। और ये सब हमने बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपका ब्रेन, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें, आपका लंग, आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी, स्वासारी, कितने प्रयोग बताए, सुबह उठ करके अणु तेल डालें, खाली पेट स्वासारी खाने के बाद कोरोनिल। अब ये 1-2 मिनट ये कर लिया यदि पादांगुष्ठ नासास प्रशासन, और यदि किसी से बन जाए तो सर्वांगासन हलासन भी कर लिया, फिर तो बीमारियों की अंत्येष्टि सुनिश्चित है, फिर कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये पेट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है सर्वांगासन हलासन, ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना ये अभ्यास कर लेंगे। और मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो सभी से बन पाता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और पेट ठीक, कहते हैं ना पाचन तंत्र ठीक, तो कोई षड्यंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आपका प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा यदि आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो। मंडूक आसन ऐसे कर, और जो कर सके तो योग मुद्रासन और सुप्त पद्मासन। ये तो नाभि और धरण के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, ज्यादा वजन नहीं उठाना। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि कई बार जो है गड्ढों में मोटरसाइकिल जोर से नहीं चलाना, सोने का तरीका, बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। मैं यही बोलने भी वाली थी स्वामी जी, अक्सर महिलाओं को जो है ना नाभि डिगने की परेशानी ज़्यादा होती है, झटके से भरी हुई बाल्टी उठा लेना, झटके से अपने बच्चों को गोद में ले लेना, और उससे क्या होता है कि नाभि डिग जाती है। अच्छा स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी होने पर कई बार लोगों के पैर में भी पैर छोटे बड़े हो जाते हैं, मतलब एक का लेंथ ज़्यादा होगी, एक की लेंथ छोटी हो जाएगी, तो सीधा चलना तक उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कौन कौन से यौगिक उपाय करने चाहिए जिससे एक तो पाँव की लंबाई और पाँव का बैलेंस बना रहे, स्पाइनल कॉर्ड और स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी ना हो। तो देखो, एक तो ये नाभि के लिए तो सुप्त पद्मासन और सुप्त वज्रासन, ये इसके लिए रामबाण है। और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जो पैर का बैलेंस बिगड़ता है, पैर छोटे बड़े हो जाते हैं, उसके लिए देखो ये एक तरफ सिर, दूसरी तरफ ऐसे पैर गया, और हाथ के पास जब पैर आ जाता है तो पैर को पकड़ ले ऐसे, और अपोजिट साइड में ऐसे देखे, पूरा ऐसे खींच के रखे 1-2 मिनट ऐसे। एक अयंगर जी योगी हुए, वो तो बांध के रख दिया करते थे आदमी को ऐसे, पढ़ा रहे थोड़ी देर आधा घंटा ऐसे, और लोग ठीक हो जाते थे, बांध के रख देते थे ऐसे। एक रामजी भाई थे गुजरात में, ऐसे लोगों को बांध दिया करते थे, बोले भाई पढ़ा रहो आप, एक एक दो दो तीन तीन घंटे तक उनको ऐसे बांध के रख देते थे और वो ठीक हो जाते थे। तो ये जो मरकट आसन है, ये जो एक पाद उत्तान आसन है,
यह जो अर्ध पवन मुक्त आसन है बिना सिर उठाए ऐसे, यह जो कट्युत्तान आसन है ऐसे ही, ये ऐसे अभ्यास हैं जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पैर ऊंचे नीचे भी हो तो ठीक हो जाते। सीधे बैठे, हमेशा सीधे बैठे, सीधे ही सोए, शवासन में सोए और साइड में सोना है। या तो एक तो ये तरीका देखो सोने का, एक ये तरीका, और दूसरा तरीका ऐसे ऐसे सोए, बस थोड़ा तकिया लगा सकते हैं 2 इंच के करीब का, ऐसे ऐसे सोना चाहिए। लोग कैसे सोते? ऐसे सोते कुछ ऐसे सर्दियां हैं स्वामी जी, लोग तो एकदम गठरी बन के सो जाते हैं, पैर छाती में घुसा के सोते हैं। और आपने स्वामी जी बताया भी है कि बाईं तरफ से सोकर उठने का या उस तरफ सोने का क्या सोना। स्वामी जी स्ट्रक्चरल बैलेंस में ही आगे बढ़ते हैं, और मेरा सवाल यह है कि क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर भी पड़ता है, और क्या इससे ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं, और अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, कैसे न्यूरो और ब्रेन डिसऑर्डर्स को हम निजात पा सकते हैं उनसे? इसके लिए मैंने कहा था सेरेब्रल पैलेसी से लेकर के पार्किंसन से लेकर के ब्रेन डिमेंशिया अल्जाइमर जैसे रोग होते हैं, इसलिए सबको कम से कम भुजंगासन मरकटासन ये 2 आसन तो करने का नियम ले लेना चाहिए। जिंदगी भर कभी कोई स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर नहीं होंगे, और फिर साथ में अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। सेरेब्रल पैलेसी, पार्किंसन, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, अटेक्सिया, एपिलेप्सी के दौरे आना, ये भी होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से। अब बात तो छोटी सी है, एक बात कितनी गहरी है, जरा इसको महसूस करें, अनुलोम विलोम करें आराम से, थोड़ा बीच में रोक मिले, होल्ड भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, नाड़ी शुद्धि भी हो जाएगा। मेधावटी ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल ले लें, अश्वगंधा रिष्ट या सारस्वता रिष्ट ले लें, और खाली पेट इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट हम दे देते हैं। और ये तमाम जो उपद्रव हैं पैरालिसिस से लेकर के, पैरालिसिस भी होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से, उसका एक कारण अंदर जो है क्लोट जमना भी है, लेकिन वो क्लोट भी उन्हीं को जमता है जिनका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। हमको क्यों, हमको जम के दिखाओ ना, हम एक एक 2-2 किलो घी खाते महीने में आराम से, रोज एक एक आधा आधा किलो 1-1 किलो दूध पी लेते हैं, हमको क्यों नहीं जमता यदि घी खाने से क्लोट जमता हो तो? तो ये क्लोट भी नहीं को जमता है, तो इसलिए अनुलोम विलोम करें, कपालभाति आराम आराम से अनुलोम विलोम करें, और जो उपाय बताए इनको अपनाएंगे, इम्यूनोग्रिट ले लेंगे, न्यूरोग्रिट ले लेंगे, खाली पेट खाने के बाद मेधावटी अश्वगंधा सारस्वता रिष्ट अश्वगंधा रिष्ट ले लेंगे, बादाम रोगन नाक में डालेंगे, बादाम रोगन पियेंगे दूध में डाल करके, बादाम अखरोट ये रात को भिगो करके सुबह दूध में या पानी में घोट करके पी लेंगे, कभी भी कोई ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर नहीं होंगे। बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी, अच्छा एक सवाल स्वामी जी, हम टॉपिक लेने से पहले मैं पूछना चाह रही थी, और ये कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा, और मेरा ये अपना निजी सवाल भी है, यदि कोई मुश्किल आसन करते करते हम उस आसन में आराम महसूस करने लग जाएं, और वो आसन लंबे समय तक करने लग जाएं और अच्छा लगने लगे, यानी बॉडी को राहत मिलने लगे, तो क्या हमने उस आसन में अपना अटेनमेंट पा लिया है, यानी परफेक्शन पा लिया है, या फिर हम ऐसा तो नहीं कि कोई गलती कर रहे हैं और हमने इजी ऑप्शन तलाश लिया है उसी के अंदर? देखो, एक तो सीधे बैठना चाहिए, और बाकी आसन किसी भी रोग विशेष के लिए अथवा कोई विशेष उपलब्धि पाने के लिए, जैसे किसी को ऊर्ध्वरेता होना है तो उसको सिद्धासन में, जिसमें अभी मैं बैठा हूँ, अथवा पद्मासन में, यदि कोई 2-3 घंटा सीधे बैठ लेता है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और जो है इसमें लंबे समय तक बैठ सकते हैं। बाकी शेष आसन 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। अब ऐसे तो बच्चे 3-3 घंटे भी शीर्षासन करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक। हाँ, कोई भी आसन 5 मिनट पर्याप्त है, असाध्य रोगों में 10 मिनट पर्याप्त है, जब एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस हो जाता है। यहाँ देखो, कितनों ने अपना सर्वाइकल स्पोलाइटिस ठीक किया, सर्वाइकल स्पोलाइटिस कमर में दर्द, हाथ उठाना, एक बार हाथ हिलाइए जरा, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन हो जाए भाई, अपना अभिनंदन खुद ही कर लो, इन्होंने सर्वाइकल स्पोलाइटिस शैटिका, और जिसमें विशेष करके स्लिप डिस्क कितनों ने ठीक किया, ये स्लिप डिस्क वाले हाथ उठा के रखो, इतने तो ये स्लिप डिस्क वाले, साथ में इनको फिर कमर दर्द और वो सब तो साथ में था ही। अब लोग
ये मानते हैं कि ठीक नहीं होता था। एक ने तो 20 किलो वजन भी घटा लिया और सियाटिका भी ठीक कर लिया। अनुराग खड़ा हो, अब ये तो अब वजन भी एक कारण है कमर दर्द का और सियाटिका स्लिप डिस्क का। कहाँ से आए हो? स्वामी भोपाल से आया हूँ मैं, अनुराग शर्मा नाम है। हाँ। वो मेरे को कमर में प्रॉब्लम थी, L3-L4 में गैप आ गया था और L4 फट भी गया था। मैं 2 साल बिस्तर पे था, फिर योगा देख देख के पलंग पे ही कर करके मैं काफ़ी उसमें आराम लग गया। उसके बाद मैंने अपना 20 किलो वजन कम किया है 1.5 साल में। और यहाँ आया था तब शुगर मेरी 400 थी, अभी मेरे आने के 3rd दिन मेरी दवाइयाँ बंद हो गई हैं। क्या बात है। और वो जो फटे थे मणके, उनका क्या हाल है? वो ठीक है बाबा जी। अब तो देखो फटे हुए मणके, टूटे हुए मणके, 33 के 33 वर्टिब्राज हमने रिपेयर किए लोगों को। और आपने तो स्वामी प्यारी को चंडीगढ़ में देखा था खट्टर साहब के साथ, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। उसको तो स्पाइनल कोड के मणकों में कैंसर होकर के पूरे फ्यूज हो चुके थे, वो भी रीजनरेट हो जाते बैठे अनुराग। और स्वामी जी ये सब आपकी गाइडेंस, आपके सानिध्य के अंदर हुआ है और असर लगातार इन लोगों के एक्सपीरियंस के जरिए देश और दुनिया के लोग जान रहे हैं। स्वामी जी आप अक्सर कहते हैं कि बीमारी वात पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होती है, तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वात पित्त कफ का बैलेंस्ड होना भी जरूरी है? प्राणायाम से त्रिदोष का प्रशमन होता है। गिलोय त्रिदोष नाशक है एक ऐसी औषधि जो त्रिदोष नाशक है। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, योग त्रिदोष नाशक है, यज्ञ जो हम करते हैं ये त्रिदोष नाशक है। वात पित्त कफ तीनों का संतुलन कर देता है। अब बातें छोटी छोटी हैं। अब ऐसे पहले हम प्रज्वलित तो होती अग्नि और बाद में हम उस पर ऐसे घी डाल के उसे यज्ञ शेष लेते हैं, यज्ञ प्रसाद लेते हैं। तो प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। अब वैसे तीन दोष बढ़ जाएं तो क्या क्या करें? एक तो आराम आराम से आसन करें, चलो भस्त्रिका करें, आराम आराम से भस्त्रिका करें तो सबको करना है। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करें। वात बढ़ा हुआ हो तो हल्दी मेथी सौंठ, पित्त बढ़ा हुआ हो तो वीट ग्रास एलोवेरा और लौकी, कफ बढ़ा हुआ हो तो दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्रास या सौंठ पीपल काली मिर्च त्रिकुटा। साधारण सी चीज़ें घर की संजीवनी, बातें छोटी छोटी हैं। वात पित्त कफ को साधारण तौर तरीक़ों से हम अच्छा कर सकते हैं। और यही बीमारियां जब बढ़ जाती हैं तब SLMS ऑटोमेन डिजीज सर्वाइकल स्पोराइटिस पेन सर्विटिस सियाटिका और पूरे शरीर में डिजनेशन ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस और CRP लेवल बढ़ गया, ये सब होता है वात के उपद्रव से। पित्त के उपद्रव से फिर कोलाइटिस IBS और पूरे शरीर में पित्त बढ़ने से आंखें लाल हो जाती हैं और BP बढ़ जाता है, स्किन प्रॉब्लम सारे पित्त के बढ़ने से होती हैं। और कफ के बढ़ने से शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में गांठें हो जाती हैं, बेनाइन मेलिग्रेंट और फाइब्रोमाइलजिया तमाम तरह की दिक्कतें। तो वात पित्त कफ का संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। वात का मतलब केवल दर्द नहीं है, पित्त का मतलब खाली एसिडिटी नहीं है, कफ का मतलब खाली बलगम नहीं है। समदोषः समाग्निश्च समधात् मलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय वनः स्वस्थ्यत्य विधीयते। तो ये योगाभ्यास से त्रिदोषों का और उसमें भी प्राणायाम ध्यान की विशेष भूमिका है। ध्यान से तो पित्त का एकदम प्रशमन हो जाता है, मन की चंचलता भी मिट जाती है और आदमी मनमानी नहीं करके आत्मा की मानता, आत्मा में उस परमात्मा की जो आवाज़ है पुकार है उसको सुनता और सदा ही सत्य के धर्म के पुण्य के पथ पर आगे बढ़ता है। मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी जी बिल्कुल, आधी बीमारियों का तो समाधान ही ध्यान है, योग प्राणायाम है। स्वामी जी वैसे तो आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो उनको शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल आशुतोष तिवारी का है। आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि उनकी 11 साल की बेटी है, चलने में घुटने आपस में टकराते हैं तो इसके लिए उपाय जानना चाह रहे हैं। ये घुटने मेरे भी टकराया करते थे, आशुतोष की बेटी का ही सवाल नहीं और बहुत सी बेटियों के टकराते हैं घुटने, तो ये लाखों करोड़ों बेटियों की समस्या, उनका समाधान बताते हैं। एक तो ये बटरफ्लाई करें, ऐसे बटरफ्लाई करें और मैंने यही करके बटरफ्लाई करके और ये गरुड़ासन करके, सब गरुड़ासन नहीं कर पाएंगे, बटरफ्लाई तो सब कर लेते हैं, ऐसे तो
बैलेंस बनने के बाद कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे सहारा लेकर के कर सकते हैं, ऐसे गरुड़ासन और बटरफ्लाई करके, और उनको दूध में हल्दी सिलाजीत और अश्वगंधा दे दें उसके साथ, और हड्डियों के बैलेंस को ठीक रखने के लिए लाक्षादी गोगुल बड़ा ज़बरदस्त है, लाक्षादी मोरिंगा और स्प्रिलिना, ऐसे ये गरुड़ासन गोमुखासन बटरफ्लाई तीन अभ्यास कराएं, और जो औषधि बताए उसको कराएं। आशुतोष की बेटी सहित ये लाखों करोड़ों लोगों का प्रश्न है, घुटने ऐसे खड़े रहते समय मेरे खुद ऐसे मिला करते थे, चलते चलते गिर जाता था, अब देखो मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ, अब मेरे घुटनों में आप देखिए बैलेंस। फिर ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, अभी मेरा कर्व देखिए आप कितना अच्छा है, ऐसे तो ये कर्व कैसे ठीक किया, ये ताड़ासन से ठीक कर लिया, ऐसे ऐसे 25-50 बार कर ले कर्व ठीक हो जाता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन करना तो पड़ेगा मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी, बिल्कुल बिना योग किए तो होगा नहीं, समाधान मिलेगा नहीं, और समाधान केवल सुनने से तो होगा नहीं, योग और आयुर्वेदिक उपाय दोनों को अपनाना होगा साइमल्टेनियसली। स्वामी जी अगला सवाल ममता का है, ममता ये बोल रही हैं कि उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है और रीढ़ की हड्डी और गर्दन में दर्द के साथ साथ उन्हें उल्टी भी होती है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन था, इधर आई गुजराती छोकरो, अया ये गुजरात से आया है, लोग गुजरात वाले दिसंबर जनवरी में आने से यहाँ कतराते हैं, लेकिन देखो आसमान में इतने बादल होने के बाद भी ठंड नहीं है यहाँ पर, इसको दर्द हुआ इधर, डॉक्टर ने दे दी उसको हार्ट की कोलेस्ट्रोल की दवा, फिर बढ़ गया इसका बीपी, और अब इसने योग करके ये दर्द भी ठीक कर लिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक कर लिया और बीपी भी ठीक कर लिया, अनुलोम विलोम कर ले बेटे। अब मैं इसलिए इसको बुलाया, दर्द हुआ इधर, हाथ रुक गया था इसका, अब बाया हाथ, अब उठा के दिखा बेटा, पहले आया था हाथ उठता ही नहीं था, ये सर्वाइकल से होता है, तो इसके लिए एक तो ये अभ्यास कर ले, चलो सभी कर लो ये अभ्यास कर ले, थोड़ा उष्ट्रासन कर ले, भुजंगासन सलभासन वरकटासन कर ले, खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट खा ले, दूसरा विकल्प है चंद्र प्रभावटी और लाक्षादी गुगुल या त्रिदशांग गुगुल खा ले, पीड़ा नील स्प्रे जो हमने कई बार बताया हुआ, पीड़ा नील स्प्रे पीड़ांतक तेल ये सब जबरदस्त है, उसमें लगा ले थोड़ा जी, ऐसी छोटी छोटी बातें, खाली पेट लहसुन खा ले, हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान अश्वगंधा का पाउडर खा ले। अगला सवाल, ये 100% ठीक हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, छोटे छोटे उपाय करने से जी। अगला प्रश्न ले लो, अगला सवाल शामिल करते हैं स्वामी जी, रमेश का सवाल है, रमेश कह रहे हैं कि बॉडी में स्टिफनेस है जिस वजह से सभी तरह के वो योग नहीं कर पाते हैं, और अब इसके लिए क्या करें कि स्टिफनेस दूर हो जाए और योग कर सके वो? तो देखो स्टिफनेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका एक तो प्राणायाम करें, लंबे श्वास लेने से भस्त्रिका, कपालभाति आराम आराम से, अनुलोम विलोम आराम आराम से, और एलोवेरा गिलोय निर्गुंडी रासना या पीड़ांतकवात सिंपल सी चीजें और घर में ही मिल जाती, हल्दी मेथी सौंठ इसका पाउडर खा ले। आज एलोवेरा की सब्जी बताने वाले हैं, एलोवेरा की सब्जी, एलोवेरा का हलवा, एलोवेरा की खीर, एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा के लड्डू, और मैं अपना ऐसे एलोवेरा ऐसे ही खा लो सुबह उठ करके, और जिसको थोड़ा स्वाद भी चाहिए सेहत के साथ साथ तो अपने लड्डू बर्फी हलवा बना करके खा लो, पूरी बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाती है, और विशेष बात दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके नहीं, प्योर शिलाजीत और सबसे सस्ती शिलाजीत हम उपलब्ध कराते हैं, बाजार से 4 गुना सस्ती होती है, दूसरे ब्रांड्स का नाम नहीं लेंगे हम, और अश्वगंधा, अश्वगंधा जरूर खाएं, ये अश्वगंधा स्प्रिलिना मोरिंगा ये ऐसे हैं जो स्टिफनेस को ठीक कर देती हैं। अब मेरी बॉडी कितनी एकदम फ्लेक्सिबल है, जब 1 सेकंड के अंदर हम सीधे बैठे हुए और 1 सेकंड के अंदर बैलेंस बनाते हैं और बैलेंस बन जाता है ये, क्या बात है।
अब स्वामी जी लोग पहले तो फीदे खड़े होना ही सीख ले। ये कैसे होता है? फीदे बैठना ही सीख ले। मैं सुबह सुबह उठ करके एक बार थोड़ा किलो ही ले लेता हूँ। हाँ, लेकिन एक सवाल स्वामी जी और बचा है। मैं तो ये देख रही थी कि सीधे खड़े होना, सीधे बैठना ही सीख ले, फिर तो हाथों के बल खड़े होना भी नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल जरूर है, ये भी कभी हो ही जाएगा। स्वामी जी, प्रदीप यादव का सवाल है, उनके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती रहती है, गैस बनती रहती है, उनके लिए कोई उपाय बताएं। और बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम होती है। मीनाक्षी जी जो प्रदीप यादव का ही नहीं, हमारी एक बेटी है, हमारी गुरुकुल की आचार्य है पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, तो बोली स्वामी जी मेरे पेट में, मेरे पास रहती 10 साल से, बोलो गुड़गुड़ होती है। मैंने कहा बेटा आप योग मुद्रा आसन 5 मिनट लगातार करो और मंडूकासन, आप मंडूकासन करो वज्रासन में बैठ के। अगले दिन मैंने पूछा बेटा आप गुड़गुड़ का क्या हाल है, भूख का इशारा। अरे एक तो गुड़गुड़ खाने पीने की होती है जो मीनाक्षी और ज्योत्सना को होती है, वो अलग है, बाकी गैस बन जाती है, अंदर से आंतों में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए क्या करें, योग मुद्रासन और मंडूकासन 5 मिनट करें, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें जिनके आंते बहुत ही कमजोर हैं, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट आरोग्य वर्धिनी खाने के बाद ली जा सकती है, ट्रेडिशनल तरीका है, सर्वकल्प कायकल्प पी लें ये भी बहुत अच्छा काढ़ा है, वीट ग्रास एलोवेरा पी लें ये भी बहुत अच्छा उपाय है पेट को ठीक रखने का, और सुबह उठ करके वीट ग्रास आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी नीम हल्दी आदि हम बताते हैं, गोधन अर्क बताते हैं, वो भी उपाय है। कई उपाय इसलिए बता रही हूँ, बहुत लोगों को पेट में गुड़गुड़ होती है, स्वामी जी पूरी ठीक हो जाएगी, और श्वास बाहर छोड़ के ऐसे गुड़गुड़ की आपने बात की, खाने के बाद की गुड़गुड़ शुरू हो गई है हमारे पेट में भूख वाली, और एलोवेरा का भी आपने जिक्र किया, और आज जैसा कि आपने कहा भी कि एलोवेरा से कुछ स्पेशल डिश बनाकर बताने वाले हैं, तो उस पड़ाव की तरफ चलते हैं, और वो कौन सी स्पेशल डिश है जो आज आप एलोवेरा से बनाकर हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं चाहता हूँ योग करते करते पूरे हिंदुस्तान का पेट इतना हल्का हो जाए कि पूरा हिंदुस्तान अपना पेट ऐसे हिला सके। वैक्यूम तक तो बन जाता है, उसके बाद ये हिलने में टाइम लगता है। अब नहीं हिलेगा। अब देखो, एक तो दूध में ना ये हल्दी, वापस समय भी आ गया है, सर्दियां भी हैं और ओमिक्रॉन भी पैर पसार रहा है, अणु तेल डालें खाली पेट, स्वासारी खाने के बाद कोरोने लिया, गिलोय घनपट्टी खाएं, गिलोय अश्वगंधा का काढ़ा पिए जो हम बताते हैं, और ये देखो जिनको केसर नहीं मिलता, ये जो ये हल्दी है ना ये केसर से कम नहीं है, अब ये केसर ये तो सबको ना मिल पाएगी, थोड़ी महंगी होती है, ऐसे ये केसर वाला दूध और फिर साथ में च्यवनप्राश ले लें, अब ये हम ऐसे कश्मीरी केसर उपलब्ध कराते हैं, स्वदेशी केसर, ये ईरान से भी आती है, अब थोड़ी देर में देखो ये दूध तो तैयार हो जाएगा हल्दी वाला गोल्डन मिल्क, और इसके च्यवनप्राश के साथ खाना और सब मजबूत हो जाएंगे। अब बात है पतंजलि गाय का देसी घी, ये खाली ऐड ही नहीं दिखाते हम, ये पतंजलि गाय का देसी घी 2 चम्मच घी डाल लिया, अब उसके अंदर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा डाल लिया, अब इसके अंदर 200 ग्राम पल्प के अंदर 20 ग्राम अंकुरित मेथी डाल दें, और मेथी किसी को ज़्यादा ही कड़वी लगती हो तो थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा इसके अंदर ये डाल दी अदरक, जो लहसुन प्याज खाते हो तो थोड़ा लहसुन और थोड़ी प्याज डाल दी, और इसके अंदर कच्ची हल्दी कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वैसे तो कच्ची ज़्यादा अच्छी होती है, नहीं तो थोड़ा हल्दी भी बहुत अच्छी होती है, ये वात रोगों का रामबाण इलाज है स्वामी जी। और जब तक आप इसमें किसी को सब्जी बनाए, पसंद है किसी को ना पसंद है, अपनी मर्जी है, तो देखो ये एकदम फर्स्ट क्लास सब्जी, अब इसमें क्या पानी नहीं डालें, इसी को थोड़ा थोड़ा पकाते रहें, जिनको अर्थराइटिस है वो नींबू नहीं डालें, बाकी जिनको अर्थराइटिस नहीं है थोड़ा नींबू डालते तो और टेस्टी हो जाता है, और इसमें एकदम ये इसके जो पीस हैं वो अलग अलग हो जाते, इतनी टेस्टी होती है, अब ये एलोवेरा की सब्जी देख करके बहुतों का खाने को जी कर रहा होगा, और
दूध तो पीने के लिए आतुर है यहाँ। स्वामी जी अब तो देखिए समय का पता चलता ही नहीं कितना तेजी से आगे भागने लगता है, और इस कार्यक्रम की खूबी ये है, आपकी खूबी ये है, एक बार आप जो कहते हैं फिर उसे सुनने का मन करता चला जाता है। लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत, वक्त इतना ही था, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वामी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सबका स्ट्रक्चर करेक्टर अच्छा होगा और पूरा भारत स्वस्थ बनेगा। भारत माता की जय।